स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुग्राम के एक मेट्रो स्टेशन पर देश का पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये टीकाकरण केंद्र गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और DMRC के सहयोग से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस केंद्र पर मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाले और सफर करने वाले यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी वैक्सीन की सुविधा दी जाएगी। हमने गुड़गांव में एक अपने आप में देश में पहला एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जिसमें किसी भी मेट्रो स्टेशन पर हमने DMRC के साथ मिलकर एक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। इसमें मेट्रो ट्रैवलिंग की कोई कंपल्शन नहीं रखी है, यानी आप यहां पर वॉक इन आकर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई मेट्रो की टिकट या मेट्रो में ट्रैवल करना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि जो मेट्रो यात्री ट्रैवल करेंगे उनके लिए तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपना ट्रैवलिंग से पहले या ट्रैवलिंग के बाद टाइम निकाल कर आप आ सकते हैं तो आप यहाँ पर वैक्सीनेशन कभी भी करा सकते हैं। DMRC के प्रबंधक निदेशक ने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किए गए टीकाकरण केंद्र से मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों का टीकाकरण आसानी से हो सकेगा और यहां आने वाला हर नागरिक कोरोना से सुरक्षित होगा। आज सुबह करने जा रहे हैं, आज डॉक्टर सुनील है, इससे अच्छा और भी क्या हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर सुनील ने आप सबको बहुत-बहुत बधाई है, खास करके हम सबको बहुत-बहुत बधाई है। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया ये एक सराहनीय प्रयास है। लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अरेंजमेंट भी काफ़ी सही किया हुआ है इन लोगों ने। सर फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि अगर हम कहीं सरकारी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ ड्राइविंग सिस्टम लगा है, जैसे कि आज फर्स्ट डे था, मतलब बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। तो हमें जैसा लगा था कि बहुत भीड़ होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से स्टाफ की मतलब जो ये भी अच्छा कर रखा।